सो डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम चैप्टर नंबर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, देखिए आपका जो डिजिटल कैमरा था वो लास्ट टॉपिक था चैप्टर नंबर 2 का. ओके, इनपुट डिवाइस मैंने आपको पूरी यहाँ पे कवर कर दी है. अगर कोई भी इनपुट डिवाइस अगर ऐसा आपको लगे कि मैंने स्किप कर दिया है तो आप बता सकते हैं. ओके, मैंने लगभग सारे इनपुट डिवाइस को कवर किया है, आप मेरे वीडियोज़ देख सकते हैं. ओके, आज देखिए हम चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे आउटपुट डिवाइस के बारे में. ओके, चैप्टर नंबर 3 में जितने भी आउटपुट डिवाइस हैं हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. आउटपुट डिवाइस होती क्या है, देखिए आउटपुट डिवाइस क्या है, मैंने बताया था कि पहले आउटपुट को समझना पड़ेगा. आउटपुट क्या है, द रिजल्ट प्रोवाइडेड बाय द कंप्यूटर आफ्टर प्रोसेसिंग. प्रोसेसिंग के बाद जो हमें रिजल्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है उसको हम रिजल्ट बोलते हैं. और ऐसी सभी डिवाइस जो हमें मॉनिटर में या स्क्रीन में रिजल्ट प्रोवाइड करती हैं उनको आउटपुट डिवाइस कहते हैं. ठीक है, तो आउटपुट डिवाइस के बारे में हम देखेंगे इसमें. देखिए आउटपुट डिवाइस प्रोड्यूस आउटपुट रिजल्ट इन ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म. व्यक्ति जिस फॉर्म में समझता है उस फॉर्म में आउटपुट देता है. ओके, द फॉलोइंग डिवाइसेस आर कॉमनली यूज एज आउटपुट डिवाइस. आपको कौन कौन सी आउटपुट डिवाइस पढ़ना है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग. देखिए आउटपुट डिवाइस तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या क्या है उसको देखते हैं. मॉनिटर और विजुअल डिस्प्ले यूनिट VDU. ओके, प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स इंकजेट लेजर. ठीक है, देखिए प्रिंटर में आपका यहाँ पे 3 चीज दी हुई है, डॉट मैट्रिक्स इंकजेट लेजर. देखिए मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा. ठीक है, सारी चीज़ें मैं आपको पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा. ओके, फिर प्लॉटर, प्लॉटर के बारे में पढ़ेंगे हम, देन स्पीकर एंड देन प्रोजेक्टर. ओके, तो इस तरह से हमारे यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 का डिस्क्रिप्शन रहेगा. ओके, आप जो है इसके नोट्स बनाने, अभी हम नेक्स्ट क्लास में इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे. ओके, थैंक यू.